हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा वी। गाइस, आज की मेरी जो वीडियो है वो एक स्टीमर के ऊपर है। मैं एक स्टीमर का रिव्यू करूँगी जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है। 3-in-1 स्टीमर है और उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये स्टीमर है और इसमें आपको 3 तरह के अटैचमेंट मिलते हैं। वो 3 तरह के अटैचमेंट कौन से हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी और आपको उसे किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं बताने वाली हूँ। गाइस, इसमें आपको ये 3 अटैचमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टीमर दिए हैं। फर्स्ट जो है, इसमें आप अपने फेस को स्टीम कर सकते हैं। पूरे फेस को इस तरीके से आपको इसे होल्ड करना है और इस तरीके से आप अपने पूरे फेस को स्टीम कर सकते हैं। सेकेंड जो है, इसमें भी आप अपने फेस को स्टीम कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे एक होल दिया गया है, इसमें से स्टीम आती है और इसमें आप अपने फेस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से स्टीम कर सकते हो। और ये जो गाइस, ये वाला जो स्टीमर है, इसमें आप अपनी नोज़ को स्टीम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी नोज़ पे लगाना है। गाइस, ये है स्टीमर मशीन जिसमें आपको वाटर लेवल दिया गया है। आप इसमें उतना ही वाटर यूज़ करेंगे और फिर इसको जो मैंने आपको 3 अटैचमेंट्स बताए थे इसमें अटैच करके आप अपने फेस को, फेस के किसी पर्टिकुलर एरिया को, अपनी नोज़ को अच्छे से स्टीम कर सकते। गाइस, ये फेस स्टीमर है, इसको मैं अब आपको अटैच करके बताऊँगी। इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। इसमें इसे मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया है। आप इसमें पानी भर के अपने फेस को पूरा स्टीम कर सकते हैं इस तरीके से। गाइस, नेक्स्ट है नोज़ स्टीमर। इसमें आप अपनी नोज़ को स्टीम कर सकते हैं। आपको इसमें इसको इस तरीके से अटैच करना है जैसे मैंने इसमें इस तरीके से अटैच कर दिया। स्टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपनी नोज़ को इस तरीके से स्टीम कर सकते हैं। गाइस, ये भी फेस स्टीमर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये होल दिया गया है। इसमें आप अपने फेस के किसी भी एक एरिया को अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। इसमें भी आपको इसको इस तरीके से इसमें अटैच करना है। देखिए, जैसे मैंने इसमें इसको अटैच कर दिया है, अब इसमें स्टीम बनेगी तो फिर आप अपने फेस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से स्टीम कर सकते हैं लाइक दिस। गाइस, ये थी 3-in-1 स्टीमर मशीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मशीन परचेस करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आप मीशो से भी परचेस कर सकते हैं और आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।